राधे राधे हरे कृष्ण भक्त। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम राधा रानी की राधाष्टमी वाले दिन सेवा पूजा कैसे करें और किन चीजों का ध्यान रखें। राधाष्टमी वाले दिन सुबह 4 बजे उठ के हमें राधा रानी को करवाना है पंचामृत से स्नान। अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते तो आप दोपहर के 12 बजे भी राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। फिर हमारी राधा रानी को पहनानी हमें नीले रंग की पोशाक, क्योंकि हमारी राधा रानी को नीला रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। फिर आप अपनी राधा रानी का कीजिएगा थोड़ा मेकअप। अगर आपकी राधा रानी का मेकअप हो रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रखा तो आप राधा रानी के थोड़ा लाइनर और थोड़ी लिपस्टिक लगा दीजिएगा। हमारी राधा रानी का मेकअप होने के बाद हमारी राधा रानी का करेंगे हम श्रृंगार। तो हमारी राधा रानी का हमें करना है पूरा 16 श्रृंगार, और श्रृंगार में मैं राधा रानी को नथ जरूर पहनानी है। मैं अभी राधा रानी की नथ नहीं लाई हूँ, पर मैं राधाष्टमी की वीडियो डालूंगी तो उसमें आपको दिख जाएगा राधा रानी का श्रृंगार और उनकी नथ। 12 सितंबर को आपको राधाष्टमी का व्लॉग देखने को मिल जाएगा। हमारी राधा रानी का श्रृंगार हो चुका है और हमारी छोटी भाई राधा रानी का श्रृंगार भी हो चुका है। तो हमारी राधा रानी को दिखाएंगे हम दर्पण की वो अपने जन्मदिन पे कैसी लग रही है। फिर हम राधा रानी और कान्हा जी को बिठा देंगे उनके आसन पे, फिर करेंगे उनकी पूजा। ठाकुर जी और श्री जी की पूजा करने के बाद हमने राधा रानी और कान्हा जी के लिए बनाई होती है दही अरबी, क्योंकि हमारी राधा रानी को दही अरबी अत्यंत प्रिय है और आज के दिन हमारी राधा रानी को दही अरबी का भोग लगाया जाता है। अगर आपको जानना है कि हमने दही अरबी कैसे बनाई है उसकी फुल वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर हमने राधा रानी और कान्हा जी के लिए बनाई होती है पूड़ी। अगर आप व्रत में है तो आप व्रत की पूड़ी बनाइएगा, अगर आप व्रत में नहीं है तो आप गेहूं के आटे की पूड़ी भी बना सकते हैं। हमारी राधा रानी और कान्हा जी के लिए दही अरबी बन चुकी, तो चलते राधा रानी और कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो हमारे ठाकुर जी और राधा रानी को लगा देंगे हम दही अरबी का भोग। और राधाष्टमी वाले दिन हमें राधा रानी को खीर का भोग भी जरूर लगाना है, और बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार राधा रानी को किन भी चीजों का भोग लगा सकती हैं। फिर आज के दिन हमें हमारी राधा रानी को झूला भी जरूर झुलाना है, और राधा रानी के पास हमें अष्ट सखियां भी जरूर रखनी है। जो हमारी राधा रानी को प्रिय है हमें वो सब चीजें आज के दिन करनी है। तो ये थी आज की वीडियो की हम राधाष्टमी वाले दिन राधा रानी के साथ अपना पूरा दिनचर्या कैसे रह गया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।